हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, जो मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। तो बच्चों, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 महीने बचे हैं, जान लगा दो और पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज प्रॉपर दो और अपना वीकनेस को पहचानो। अपनी वीकनेस को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि उस पर हम लोग वीकनेस को हटा पाए जब तक एग्ज़ाम आता है तब तक। ठीक है, हमारे पास अभी भी 4-5 महीने का टाइम है बच्चों। अभी भी अगर आप जान लगा के पढ़ते हो और सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हो तो आपको जेई या नीट फोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए देखते हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं। मुझे अच्छा लगा कि बच्चे अच्छे अच्छे डाउट निकाल के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके सामने, 3 बॉडी है यहाँ पर, M2M3M। यहाँ बोला गया है नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M2M3M एज शोन इन द फिगर, द वेज इज फिक्स्ड। ठीक है, ये वेज यहाँ पे फिक्स है, बाकी ये सिस्टम मूव कर सकता है, ये आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें से सवाल उठता है बच्चों को, जो डाउट होता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन 1 है, एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन 3 है, 3 बॉडीज के, वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं। वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसे रिलेटेड है, राइट? क्योंकि ये दोनों बॉडी रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इनका आपस का रिलेशन फाइंड करना सबसे पहला काम आपके होने चाहिए। आपस का रिलेशन यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। ध्यान से देखना बच्चों, पहला काम है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन को फाइंड करना। तो मैं क्या करूंगा, आप एक काम करो, यहाँ पर एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को y एज्यूम कर लो, इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को y एज्यूम कर लो, क्योंकि ये वेरिएबल है। मान लो ये बॉडी आगे जाता है, ये तो बॉडी ऊपर जाएगा, ये बॉडी नीचे आएगा, ऊपर आएगा, y वेरिएबल है। ठीक है, ये अगर बॉडी आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, तो y की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा। इसको आप x का नाम दे दो और इसे आप z का नाम दे दो, ऐसे x y z, इसको ऐसे आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ लिख सकते हो y प्लस x प्लस z, दिस इज लेंथ l। ठीक है ना, y प्लस x प्लस z, दिस इज योर लेंथ l। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy by dt। अब देखो, ये बॉडी जब आगे जाएगा 3m, तो छोटा सा मास नीचे आएगा, तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और ये बॉडी ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बॉडी ऊपर जाएगा तो z की वैल्यू कम होगी, और ये आगे जाने से ये डिस्टेंस कम होगा, तो x की वैल्यू भी कम होगी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस ऑफ dx by dt, और लिख रहा हूँ माइनस ऑफ डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको मान सकता हूँ, चलो इसकी एक्सेलरेशन कुछ होगी, लेटिट बी A1, इसके नीचे आने के लिए इसके होगी A2, और इसके पास ऊपर जाने के लिए मान लेते हैं A3 है, ऐसा कुछ है। ये वेलोसिटी है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी टी क्या है, डी वाई इसके लिए है ना, 2m के लिए, वर्टिकल है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन 2। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है dx / dt, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसके लिए है, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ a1, ये ऊपर जा रहा है, यहां लिखोगे माइनस ऑफ a3, है ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल गया मुझे, दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि a2 आपको मिल रहा है a1 + ऑफ a3, ये मिल रहा है, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3, ये इक्वेशन हमें मिल रहा है। ठीक है ना, फाइन। तो अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको नोट कर लिया आपने। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये तो 3m है आपके पास, ऐसा this is t and this is t, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज टेंशन p, दिस इज 2m into g, ठीक है, ओके, आर इधर इक्वल एंड अपोजिट लगता है। और जब हम लोग इसकी बात करेंगे, t इधर है, दिस इज mg sin 30, ठीक है ना, a3 हमने लिया हुआ है, इसको a3 से आप जाने दीजिए ऊपर,
अब देखो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन है। कैसे? ये A1 से आगे भी जाएगा और A2 से नीचे भी आएगा, दो है। तो सबके लिए आपको इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। ये A1 से आगे जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, ये A1 लिया हुआ है, A2 से नीचे आएगा, A3 से ऊपर जाएगा। तो सबके लिए इक्वेशन लिख लें, ये आगे जाएगा तो क्या लिखेंगे, T माइनस ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 3ma1। इसके लिए क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 2m into a1। ये नीचे भी जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2mg minus of t दैट इज इक्वल टू 2m into a2। इसको ऊपर भेजना है, राइट, तीन इक्वेशन हो गए। इसको ऊपर भेजने के लिए क्या लिखेंगे, T minus mg sin 30 इज इक्वल टू m into a3। चार इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं, a1 a2 a3 t, चार इक्वेशन और पांच इक्वेशन आपको मिल चुके हैं। हमें अब इसके पांचों को सॉल्व करनी है। तो जहां a2 है मैं लिखने वाला हूं a1 plus a3, a2 की जगह मैं लिखने वाला हूं a1 plus a3। a2 को हटाते हैं, यहां लिखते हैं a1 plus a3, ठीक है ना, a2 की जगह लिखेंगे a1 plus a3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले r और t के लिए बात कर लो, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको यहां से t मिल जाएगा 5ma1, ठीक है ना, 5ma1। और इस t की वैल्यू को अगर मैं यहां डाल दूं 5ma1 यहां पे t की जगह, और यहां भी डाल सकते हैं t की जगह, या फिर नहीं तो आप इन दोनों को भी ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 2mg minus mg by 2, इनको ऐड करो, ma3 2ma3, ये हो जाएगा 3ma3 plus 2ma1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास इक्वेशन की कमी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं t की वैल्यू डाल दूँ ma1 तो एक एक इक्वेशन और आएगा मेरे पास, ठीक, बहुत सारे इक्वेशन आ सकते हैं। 4, ये हो जाएगा 3mg by 2 इज इक्वल टू 3ma3 plus 2ma1। तो ये m m और m चला जाएगा हमारे पास, तो हमारे को मिलेगा 3g by 2 3a3 plus 2a1, ये मिलेगा मुझे। अब यहाँ पर जो t की वैल्यू है 5ma1 आप यहाँ डाल दो यहाँ पर तो क्या मिलेगा, 5ma1 minus mg by 2 इज इक्वल टू ma3, m m m तो गया, ठीक है। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है 5a1 minus a3, 5a1 minus of a3 इज इक्वल टू g by 2, ये मिल रहा है। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और इनको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3g, और 3a3 minus 3a3 कट, 15 plus 2 17a1, ये आ जाएगा 17a1। तो a1 आपको मिल गया 3g by 17। देखो बच्चों सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कोई भी कर सकता है, राइट। सबसे पहला चीज था आपको इस रिलेशनशिप को पहचानना और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, सॉल्व में कोई भी बड़ी बात नहीं बच्चों, कोई भी कर सकता है। a1 आ गया, अब इस a1 की वैल्यू को आप कहीं भी डाल सकते हो, a1 की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, A1 के वैल्यू क्या डाल दो आपको A3 मिल जाएगा, A1 A3 मिल गया तो A2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्व करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे इक्वेशंस को लिखते हैं और कांस्टेंट रिलेशंस का फायदा कैसे उठाते हैं, और ये हाउ टू फाइंड दिस रिलेशनशिप एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो जरूर भेजिएगा मुझे, आपको पूरा पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। हमें JEE और NEET 2024 को फोड़ना है। बाय बच्चों, टेक केयर।